नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समास। समास दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम समास में दो भेद आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, ये हम समास आपको कम्प्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें आपको बेसिक से बिल्कुल बताया है समास क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समास में बेसिकली क्या होते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको एग्जांपल दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। अभी भाव चार ऑप्शन दे देंगे कि द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कि बहुव्रीहि समास होगा, कि कर्मधारय समास होगा। या फिर दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि उस समास का विग्रह आपको चार ऑप्शन करके दिया होंगे, उसमें पहचानना होगा कि इसका सही विग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, बस इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम दो आप लोगों से दो भेद समास के, यानी कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, इसके दो पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। आज हम दोस्तों इसका पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग इसको भूल कर भी नहीं भूल सकते, इतना आज हम इतना अच्छी तरीके से आपको इसे बताने वाले हैं। तो आज हम चार टाइप डिस्कस करेंगे समास के, जिसमें बात करेंगे द्विगु समास की, द्वंद्व समास की, ब्रीही समास की और कर्मधारय समास की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टॉपिक में जो शुरू लिया है, वो हमने शुरू कर रहे हैं द्वंद्व समास से। तो दोस्तों, इससे पहले शुरू करें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड सभी कंटेंट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं द्वंद्व समास। क्या होता है द्वंद्व समास, बताते हैं आपको। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो दोस्तों, कुछ नहीं है समास, इसमें सिंपल सा पहचानने का रूल यह है कि इसमें हाइफन लगा होता है। दो पदों के बीच में पर्याय योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का मार्क्स लगा होता है, जैसे कि अन्न जल, अन्न और जल। तो दोस्तों, जब हम अन्न जल का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अन्न और जल, या तो आपका और आ जाता है समास विग्रह करने पर, या फिर इसमें या आ जाता है। देश विदेश, देश और विदेश, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो पहचानने का एक ही नियम है, जहां भी आपके दोस्तों दो पद एक दूसरे से हाइफन मार्क्स से जुड़े हों, तो वहां पर दोस्तों आपका क्या आता है, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। याद रखिएगा तीन नियम दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या है, द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं वहां प्रधान होते हैं। दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के विलोम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है कि कैसा आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसका विग्रह करने पर या तो आपका और आएगा या फिर या आता है, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इससे दोस्तों द्वंद्व समास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हरिहर, तो कहीं कहीं पर दोस्तों आपका हाइफन मार्क्स लगा और कहीं कहीं पर नहीं लगा है, लेकिन समास विग्रह करने पर आपकी ये चीज़ क्लियर हो जा रही है। जैसे हरिहर, हरि और हर, राधा कृष्ण, राधा और किशन, राधे श्याम, राधे और श्याम, सीता राम, सीता और राम, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, 68, 8 और 60, 25, 5 और 20, छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। तो ये थे दोस्तों द्वंद्व समास, काफ़ी इजी, बस सिंपल सा पहचानने का रूल। इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और आपके विग्रह करने पर इसमें और या आता है और बीच में हाइफन मार्क्स लगा होता है। ये तीन बातें दोस्तों अगर आप ध्यान रखते हैं तो द्वंद्व समास आप लोग बहुत ही इजी वे में आप लोग एग्जाम में करके आएंगे अपने। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग द्विगु समास की। द्विगु समास द्वंद्व समास से भी बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक आपका ये समास है दोस्तों, काफ़ी इजी है। क्या है, देखिए, द्विगु समास में पर्याय पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है, यानी कि यहाँ पर जो होता है बोध होता है वो नंबर का होता है, जो संख्या का बोध होता है। कभी कभी पूरा पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ध्यान देने वाला एक पॉइंट ये है, द्विगु समास जो होता है केवल आपके समूह का बोध कराता है, उसमें अर्थ नहीं होता है, किसी भी अन्य अर्थ का बोध नहीं कराता है, जैसे कि बहुव्रीहि समास में होता है। अभी द्विगु और बहुव्रीहि में जो डिफरेंस है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो रहा, तो आगे देखिए क्या आ रहा, दो आया, यानी कि देखिए संख्या आ रही, दो रहा, दो राहों का समाहार, यानी कि दो रास्तों का ग्रुप है यहाँ पर। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। ओके, अब देखिए द्विगु समास के कुछ उदाहरण है, इससे बिल्कुल आपका द्विगु समास जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तिराहा, तीन राहों का समाहार की बात हो रही है। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचतत्व,
पंच तत्वों का समूह, आपका शताब्दी, सत यानी कि 100, अब्दों का मतलब होता है वर्षों का समूह, 100 वर्षों को समूह को बोलते हैं शताब्दी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सभी जितने भी आपके उदाहरण हैं इसमें सभी में आपके संख्या का बोध हो रहा है, किसी भी अन्य प्रकार का अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं त्रिनेत्र। अब आप लोग कहेंगे त्रिनेत्र में आपका 3 लगा है, आगे नंबर है, ठीक है, तो हम इसका जब समाज विग्रह करेंगे तो आएगा 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात वो हैं आपके शिव। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उदाहरण में आ रहा है, अर्थात में आपका आपका अर्थ निकल के आ रहा है जो कि आपका आ रहा है शिव, तो ये आपका होगा बहुवरी समास। ये आपका देगु समास में नहीं आएगा, देगु समास में वही आएगा जो सिर्फ ग्रुप का बोध करा रहा होगा, जो फिर आपका संख्या का बोध करा रहा होगा, ठीक है, समूह का बोध करा रहा होगा, और यहाँ पर जो होगा पूर्व पद संख्यावाचक होगा। जैसे कि देखिए पंचवटी, नवरत्न, 5 वटों का समूह, नवरत्न हो गया 9 रत्नों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार, त्रिभुवन का हो गया 3 भवनों का समाहार, त्रिलोक, त्रिशूल, त्रिवेणी, त्रिवेदी, ये सभी दोस्तों जितने भी एग्जांपल है द्विगु समास के हैं, और यहाँ पर जो बोध हो रहा है वो संख्यावाचक का हो रहा है, समूह का हो रहा है, यहाँ जो बोध होता है समूह का होता है, और इन सभी में जो आपका पहला पद होता है वो आपका रहता है संख्यावाचक। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, द्विगु समास आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा दोस्तों, अगर आप इतनी बातें दो बातें ध्यान रखते हैं तो द्विगु समास आपका बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारी बात समझ चुके होंगे, अब तक आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में जो होता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थों की प्रधानता रहती है। यानी कि जो 2 पद होंगे उनमें जो होगी उसकी जगह पर दूसरे किसी तीसरे अर्थ की यहाँ पर प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर आपका या तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिख रहा है गजानन, गज है आनन, गज का आनन है जिसका अर्थार्थ वह है आपके गणेश जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गज से भी कोई मतलब नहीं, आनंद से भी कोई मतलब नहीं, इसका जो मतलब है वो किसी अन्य अर्थ की यहाँ पर प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका उदाहरण आया गणेश जी। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थार्थ शिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्यावाचक आया लेकिन यहाँ पर प्रधानता किसकी है, अन्य अर्थ की है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया त्रिनेत्र, इसका आप लोग समास विग्रह कीजिए, 4-5 ऑप्शन देंगे, 2-3 गलत देंगे, 1 सही देंगे, तो आपका सही होगा 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव या वह है शिव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपके त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण की। जैसे कि वज्र पाणी, वह जिसके पाणी में ब्रज है, यानी कि जिसके हाथ में वज्र है वो है आपके इंद्र। आपके रतिकांत, वह जो रति का कांत यानी कि पति है वो है कामदेव। आशुतोष का किए, वह जो आशु यानी कि शिष्ट हो जाते हैं वो है आपके शिव। वाग देवी, वह जो वाक यानी कि भाषा की देवी है वो है सरस्वती देवी। युधिष्ठिर, वह जो युद्ध में स्थिर रहते हैं यानी कि धर्मराज, ज्येष्ठ पांडव। षडानन, वह जिसके 6 आनन यानी कि कार्तिकेय। सप्तऋषि, वे जो 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि विशेष जिनके नाम निश्चित हैं। त्रिणी, 3 वेड़ियां यानी कि नदी का संगम स्थल यानी कि प्रयाग। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके ये बहुव्रीहि समास भी क्लियर हो गए होंगे। आपको इसमें इतना बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें जो प्रयुक्त पदों में के सामान्य अर्थ की अपेक्षा यहाँ पर एक अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप लोग दोस्तों समास के उन 2 पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बताया कि समास क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और आपके साथ 2 टाइप हम समास के डिस्कस भी कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था आपका अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं आज के 6 समास की, वो है कर्मधारय समास। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट समास है। इसमें देखिए क्या होता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, यानी कि एक पद जो होता है उसकी क्वालिटी बताता है और दूसरा पद होता है विशेष्य। तो इसमें कहीं कहीं पर उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपे शब्द आता है। जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है, नीलकमल, नीला जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पद आपका विशेषण है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है ये समास के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है विशेषा, आपके विशेषता वाचक कर्मधारय, इसमें प्रथम पद जो होता है द्वितीय पद की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो इसमें पहला पद होता है वो दूसरे वाले पद की विशेषता बताता है। जैसे कि महाराज, यानी कि महान है जो राजा, जो कैसा राजा है यहाँ पर, महान है, तो राजा की क्वालिटी बताई गई यहाँ पर। महापुरुष, महान है जो पुरुष,
नीला आकाश। आकाश कैसा है? आकाश की क्वालिटी कैसी है? आकाश जो है नीला है। महाकवि, महान है जो कवि, यानी कि है जो जहां पर वर्ड आ रहे हैं वहां पर आपका कौन सा समास होगा, वहां होगा आपका कर्मधारय समास। जैसे कि महाकवि, महान है जो कवि, नीलोत्पल, नील है जो उत्पल, महा आपका महापुरुष, महान है जो पुरुष, महर्षि, महान है जो ऋषि। तो ये तो दोस्तों आपके कुछ विशेषतावाचक कर्मधारय। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें जो हमारा एक और आता है सेकंड टाइप में, उपमान वाचक कर्मधारय। इसमें क्या होता है, इसमें एक पद उपमान और द्वितीय पद उपमेय रहता है। जैसे कि बाहुदंड, बाहु है दंड समान, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान बदन, यानी कि यहाँ तुलना होती है दोस्तों। इसमें कर्मधारय समास में क्या होता है, आपकी तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, कमल नयन, कमल के समान नयन, मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख, मृग नयनी, आपका मृग के समान नयनों वाली, मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो दोस्तों ये था आपका समास। उम्मीद करता हूँ कर्मधारय समास भी आपका हो गया होगा। तो दोस्तों आज हमारे टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है समास वाला। और दोस्तों हम आपके साथ संधि टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग उसको भी देख लोगे तो संधि से रिलेटेड भी आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आज से दोस्तों आपका समास बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पॉइंट को हम आपका क्लियर करेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करते रहिए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से हिंदी के अब एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।